हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑल टेप ट्यूटोरियल और आप हैं हुसैन सर के साथ। दोस्तों, ये हमारी HTML टैग ट्यूटोरियल की हिंदी उर्दू सीरीज़ है और आज हम पढ़ेंगे बटन टैग। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक। तो दोस्तों, बात ये आती है कि बटन टैग होता क्या है। दोस्तों, बटन टैग HTML में एक बटन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बटन ज़्यादातर HTML फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज़ में आता है और फॉर्म को रीसेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, बटन टैग एकदम नया एलिमेंट है और इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिन एट्रीब्यूट्स की बात हम बीच बीच में करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर इसका हम रिजल्ट देखेंगे। यहाँ हम एक बटन बनाते हैं, BUTTON बटन, टैब दबाया तो बटन, जो बटन एलिमेंट है उसका टैग एक ओपन टैग है और एक क्लोज टैग है। अब अगर हम इस पर रिफ्रेश, इसको सेव करें और सेव करके इसे देखें तो यहाँ पर बटन बन तो गया लेकिन ब्लैंक है, ये ब्लैंक बटन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बटन में इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें यहाँ पर बटन में दिखाई देगा। हमने लिख दिया यहाँ पर क्लिक मी, जैसे मैं क्लिक मी लिखता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखो इसमें लिखा गया क्लिक मी। ये एक बटन तैयार हो गया। ये जो बटन तैयार हुआ है ये अभी किसी काम का बटन नहीं है, इसमें कुछ नहीं, ना ये रीसेट का है, ना सबमिट का है, ना कोई बटन है, सिर्फ एक नॉर्मल बटन है। तो अब हम इसमें एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है टाइप। तो हम देखते हैं बटन के कितने तरह के टाइप होते हैं। अब हम यहाँ पर तीन बटन बना लेते हैं, BUTTON बटन, मैंने एक बटन बनाया, इसका टाइप दे दिया मैंने बटन, और ऐसे ही मैं अगला बटन बनाता हूँ, बटन बनाया मैंने यहाँ पर, इसका टाइप दे दिया सबमिट, एंड यहाँ पर मैं बटन बनाता हूँ BUTTON बटन, और यहाँ पर मैंने टाइप दे दिया इसका रीसेट, और इनके बीच में मैंने सब में लिख दिया BUTTON बटन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने सबमिट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने रीसेट। अब हम देखते हैं, सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं तो एक साइड में आ गया। मुझे ऊपर नीचे चाहिए तो मैं सब में BR लगा दूंगा, मैं यहाँ पर BR लगा देता हूँ, BR मैंने लगाया, दो बार BR लगा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं एंड सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आ गया। अब ये जो बटन सबमिट और रीसेट है, रीसेट बटन किस चीज़ पे काम करे, तो इसके लिए हम एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं। टेक्स्ट एरिया, इस बटन से पहले हमने टेक्स्ट एरिया बना लिया, हमने यहाँ पर दे दिया इनपुट, और ये टाइप को हम हटा देते हैं यहाँ पर, और नेम में दे देते हैं नेम, टाइप नेम। अब यहाँ पर इसकी लेबल देते हैं LABEL लेबल, और यहाँ पर लिख देते हैं फॉर नेम, और यहाँ पर लिख देते हैं साहब नेम, एंड सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो ये एक लाइन में आ गया। मुझे ऊपर नीचे करना है थोड़ा, तो ये BR को मैंने जो कॉपी किया था यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो ये मेरे पास आ गया। देखिए, अब बात ये आती है टाइप बटन, ये किसी काम का बटन नहीं है, सिर्फ देखने का है। दूसरा है सबमिट। सबमिट बटन क्या करता है, सबमिट बटन फॉर्म को सबमिट करता है और सर्वर साइट पे भेजता है। दूसरा है रीसेट बटन, रीसेट जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसको रीसेट करता है। तो हम इसके आगे पीछे एक फॉर्म और लगा लेते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी से बाद में, यानी बटन से पहले हम यहाँ पर फॉर्म लगा देते हैं, फॉर्म, और फॉर्म जो मैंने ये बंद हुआ है इसको कट कर लेते हैं, और लास्ट में आकर यहाँ फॉर्म हम बंद कर देते हैं, ऐसे फॉर्म बंद कर दिया, सेव किया हमने, यहाँ पर रिफ्रेश किया एक, अभी फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये देखिए हम यहाँ पर नेम लिखते हैं कोई भी, मैंने नेम लिख दिया हुसैन, और जैसे ही मैं इसको रीसेट करता हूँ ये गायब हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रीसेट कर रहा है फॉर्म को।
सबमिट पे जब आप सर्वर लैंग्वेज से कनेक्ट करेंगे कभी इन फ्यूचर जब कोई ट्यूटोरियल बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि सबमिट होने पे ये डाटा कहाँ जाता है। ठीक है, ये था टाइप एट्रीब्यूट। अब इसके अगला एट्रीब्यूट है नेम। नेम क्या काम करता है, जब हमारे पास मल्टीपल बटन हो तो हम उनके नाम डिफाइन कर देते हैं कि एक ये बटन इस नाम का है, ये बटन उस नाम का है। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया नेम यूजलेस और इसका नाम दे दिया सबमिट। हमें अलग अलग नाम देने हैं सबको जिससे कि हमें पहचान पड़ सके कि नाम, और ये नाम से ही आप जब आपकी कोई सर्वर साइट लैंग्वेज होती है या फिर कोई क्लाइंट साइट लैंग्वेज होती है तो वो भी इसी से पहचान करती हैं कि बटन का क्या नाम है, और आईडी से भी करती है खैर, लेकिन एक नाम भी पैरामीटर है, नेम भी एक पहचान है बटन की। तो हम यहाँ पर नेम दे देते हैं नेम और इसको दे देते हैं रीसेट, ये रीसेट बटन है। ठीक है, तो नेम से भी आप नेम भी लिख सकते हैं, नेम से कोई इस पर रिजल्ट पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि डिफाइन करने के लिए कि नाम आप डिफाइन कर रहे हैं किसी भी बटन का। अगला एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट हमारी जो स्क्रिप्ट लैंग्वेजेज हैं उनको ट्रिगर करने के काम में आता है। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट उनको ट्रिगर करता है कि आप जब ऑन क्लिक करें तो हमारी जो क्लाइंट साइट लैंग्वेज हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं, उनमें क्या फंक्शनैलिटी हो। तो हम एक करके देखते हैं बटन पे, इस वाले बटन पे ऑन क्लिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक लगाने के बाद हम अलर्ट आई एम यूजलेस सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ पर रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करके जैसी बटन पे क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का एक पॉपअप खुल गया जिसमें लिखा आई एम यूजलेस। ये मैंने आपको यहाँ पर बनाया था, देखो अलर्ट। तो ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट, बट ये आपको आगे चल के जब आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में बात करेंगे इनकी। ठीक है, अगला एट्रीब्यूट है डिसेबल्ड। देखिए डिसेबल्ड, किसी भी बटन को आप डिसेबल कर सकते हैं कि वो काम ना करें। मैं रीसेट बटन को डिसेबल कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर कर दिया डिसेबल्ड, मैंने डिसेबल्ड किया और सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश किया। अब मैं कोई नाम लिखता हूँ तो इस पर देखो कुछ भी करें ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये डिसेबल हो चुका। तो आप इसको डिसेबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई बटन आपको काम में नहीं लाना तो। अगला एट्रीब्यूट है एक्सेस की। एक्सेस की क्या है कि आप अपने बटन को एक एक्सेस की बता सकते हैं कि हमारा बटन इस की से प्ले हो चले। तो अगर आप कोई बटन एक्सेस की में देते हैं तो वो ऑल्ट के साथ भी काम करता है और ऑल्ट शिफ्ट के साथ भी काम करता है। तो देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। देखो मैंने डिसेबल्ड को हटा देता हूँ यहाँ से मैं, और सेव करता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक्सेस की, और मैंने लगा कर यहाँ पर बता दिया मैं आर मैंने दे दिया यहाँ से आर, और सेव किया। यहाँ पर रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ। देखिए नाम लिखने के बाद आप या तो ये बटन दबाएं या फिर आप आर प्रेस करें, ऑल्ट आर। जैसे ऑल्ट आर प्रेस करेंगे तो ये बटन ऑटोमेटिकली प्रेस हो गया। ऑल्ट आर दबाते देखिए रीसेट बटन ऑक्यूपाई हो गया। आप कुछ भी लिखें और या तो रीसेट बटन दबा दें या फिर ऑल्ट आर दबा दें, ऑल्ट आर सीरीज हट जाएगा। तो दोस्तों ये था बटन टैग। मैंने इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए लेकिन वो सारे एट्रीब्यूट में इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर मैं सारे एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता तो ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाता। अब आगे जब हम इनपुट टैग करेंगे तो उसमें और बहुत सारे एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये इन एट्रीब्यूट्स की आप प्रैक्टिस करें। आपको कैसा लगा ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कहीं कोई कमी लगती है तो कमेंट करें। दोस्तों आप मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बराबर में एक बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय बाय।